इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? और आशा करता हूं यहां पे मीडिया टेक की बात हो रही है, एक स्पेक्ट्रम की ओर लेकर आते हैं। आइए स्पेक्ट्रम, चलिए ठीक है। यहां पे हमारे साथ में स्टूडेंट और ये आए मद्रास से, तो स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। स्पेक्ट्रम के साथ आने वाली फाइल बताओ? पैक फाइल होती है। अच्छा ये बताइए कि टूल कौन सा यूज होता है? अपग्रेडेड स्पेक्ट्रम, अपग्रेडेड टूल, सर डाउनलोडेड। कंपनी कौन कौन सी फाइल देती है हमें? टूल देती है वही, बिल्कुल। अगर मान लीजिए जो ड्राइवर होते हैं वो काम के होते हैं कि नहीं होते हैं? काम के होते हैं बिल्कुल। कौन से ड्राइवर होते हैं? SCI होते हैं। अच्छा उसका जो अपन को जो काम की कौन सी फाइल यूज करनी पड़ती है, .inf कौन सी फाइल होती है, मतलब जो .inf फाइल होती है वो कैसे से इंस्टॉल होती है? .inf ड्राइवर की फाइल बताओ, .inf वो कहाँ पे इंस्टॉल होती है? बन जाती है डिवाइस मैनेजर में इंस्टॉल करते हुए, यहाँ पे कीजिए इंस्टॉल। चलिए ठीक है। SPD में फ्लैश, अच्छा SPD में कौन कौन से मोड होते हैं? SPD में दो मोड होते हैं, एक फास्ट मोड होती है और एक फ्लैश मोड होती है। फ्लैशिंग किस मोड पे होगी? फ्लैशिंग मोड पे। फ्लैश मोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोन को ऑन करके करोगे, ऑफ करके करोगे, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, मतलब ये बूट की होती है। और ड्राइवर कौन से यूज करोगे? SCI यूज करोगे। मान लो अगर मेरे पास एक कीपैड का फोन है और मुझे उसको रीड करना है, तो मेडिकल में कहां से रीड करूंगा? दिखाओ यहां से, मेडिकल में कहां से रीड करूंगा? हाँ अच्छा, रीड करने के बाद में कौन सी फाइल रीड करेगा? तो ये राइट भी कौन सी फाइल करेगा? और अगर एंड्रॉइड की भी फाइल है तो कौन सी रीड करेगा? बिन ही रीड करता है, पैक फाइल ये नहीं निकालेगा। तो मतलब अगर तुमने कहीं बिन फाइल तुमने डाउनलोड की तो तुमने यहीं से उसको क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा एक सवाल तुमसे पूछा जाए, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। मान लो तुमने एक कीपैड तुम्हारा खराब है और तुमने उसकी CPU बदलना है, क्योंकि इसका CPU कौन सा होता है? माई बाप CPU, ऑल इन वन जैसा होता है, फ्लैश फाइल सबको। तो अगर तुम उसका CPU चेंज कर रहे हो तो उसको सबसे पहले क्या करोगे? अगर यही काम एंड्रॉइड में कर रहे हो तो क्या हमें करना पड़ेगा CPU चेंज करने के टाइम पे? यही काम क्या हमें उसको रीड करने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि उसके अंदर EMMC IC अलग से आती है। तो अगर EMMC IC को बदल ले तो प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है, अदरवाइज प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। तो यहां से FRP कहां से हटा सकते हैं बताइए? SPD का FRP रिसेट से, उसके बाद में क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे रीड करना, पैटर्न रीड करना है, तो कहां पे क्लिक करूंगा? यहीं पर ऊपर रीड अनलॉक, यहां पर। और अगर मान लो पैटर्न रीड नहीं हो रहा तो एक बार क्या कर सकता हूं मैं? फॉर्मेट कर सकता हूं। मान लीजिए फॉर्मेट नहीं करना है, पैटर्न रीड करना है उसके बाद भी, तो एक क्या बताया था यहां पर? रीड करने का, उसके बाद उसकी फाइल को क्या करने का? अनलॉक। कहां पर अनलॉक है ये समझ में आया? ये किया था, नहीं किया था आपने? किया था ना अपन ने, किया था अपन ने, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे SPD का। अच्छा इसमें बताइए, अगर मान लीजिए फास्ट बूट से FRP निकाल दिए तो कहां से निकालूंगा? फास्ट बूट मोड से FRP निकाल दिया SPD की, एंड्रॉइड पे क्यों जाएंगे? फास्ट बूट मोड एक चिप का होता है कि एंड्रॉइड का होता है? एंड्रॉइड का, क्योंकि वो हर मोबाइल में होता है। ठीक है, फिर फिर FRP रीसेट यूनिवर्सल, देखो वाईफाई होगा कहीं पर बीच में, देखो ये ऊपर वाला क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है? कॉलकम सीरीज, क्योंकि वो कॉलकम सीरीज को करता है। ठीक है, तो फास्ट बूट से भी निकाल सकते हैं, पर फास्ट बूट से क्यों नहीं निकालते हैं? क्यों काम नहीं? कठिन होता है उसमें, बूट अनलॉक भी होता है, बूट इसलिए उसको पता चला अनलॉक करना पड़ रहा है। ये काम अपन UMD से भी कर सकते हैं, UMD फास्ट बूट मैटर से निकालता है। UMD से फ्लैश कर सकते हैं क्या? नहीं फ्लैशिंग केबल किस किस से कर सकते हैं?
एसपीडी का टूल आता है उससे कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए क्लैप हो जाए बहुत। जाओ। तो ये हमारे एक स्टूडेंट है शुभम, ये आए हैं कहाँ से? महाराष्ट्र अमरावती। अच्छा अमरावती के, यार मेरे पास बहुत स्टूडेंट है यार। एक मेरा एक और स्टूडेंट, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत प्रिय है, नितिन, नितिन राइट। चलिए कॉलकम की बात हम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम का चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हम मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा अपने नए एक ऐप्स में, और ये ऐप्स में आपको मिलेगा संपूर्ण स्टॉक रूम सारे मोबाइल फ़ोन की। आपको करना क्या है, डेविड नटवाल लिखना है बिना स्पेस के मेरा नाम, और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखिए नया एक मेरा जो ऐप्स है वो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, ऑल मोबाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड। तो ये ऑल मोबाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड को आपको इंस्टॉल करना है। ये 1.5 MB का एक ऐप्स है। इस ऐप्स में आपको मिल जाएंगे इंटेक्स, नोकिया, सैमसंग, सोमी, वीवो, ओप्पो, ब्लैकबेरी और भी बहुत सारे आपको फ्लैशिंग फाइल मिल जाएगी। इसमें आपको वन क्लिक की आपको फ्लैशिंग फाइल मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कभी भी अगर स्टॉक रूम डाउनलोड करनी होगी तो आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, आपको एंटर टू इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, फ्लैश फाइल डाउनलोड। तो दोस्तों इस ऐप्स को अभी डाउनलोड करें और आपको जो भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है वो मोबाइल में ही डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें होगा क्या कि मोबाइल में फ्लैश फाइल कभी भी जैसे हम इंटरनेट में डाउनलोड करते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं और IDM नहीं होता है तो हम डाउनलोड करते हैं आधी में रुक जाती है, फिर से हमें डाउनलोड करना पड़ता है या 10 बार कई बार लिंकों को हमें क्लिक करना पड़ता है तब जाके वो फ्लैश फाइल डाउनलोड होती है। तो यहाँ पर वो आपको फ्लैश फाइल मिल जाएगी बड़ी आसानी से डायरेक्ट। तो चलिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको मेन्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चुननी है आपका फ्लैश स्टॉक रूम किसका आपको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं Xiaomi, अगर आप Xiaomi की डाउनलोड करते हैं तो आपको Xiaomi पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे नीचे चले आएंगे, आपको उसके साथ में यहाँ पर MI का टूल भी दे दिया है, MI का USB ड्राइवर भी दे दिए, Qualcomm के ड्राइवर भी दे दिए हैं। अब स्टॉक रूम तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी है ना, Xiaomi MI3, MI4, MI तो सारी MI4S, MI4i, MI5X5, MI तो यहाँ पे आपको 5S, यहाँ पे MI6, MI Note, यहाँ पे आपको सबकी मिल जाएगी, और ये है Xiaomi MI Mix। तो ये तो सब MI की चली है दोस्तों। इसके बाद में आपको Redmi की मिल जाएगी, MI Pad, MI Pad 3। अब देखिए यहाँ पे Redmi की चालू हो गई, Redmi 1S, और ये वन क्लिक में आपको क्लिक बस करेंगे आपको ये डाउनलोड पे आ जाएगी दोस्तों। तो इसको डाउनलोड कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ अगर आपने Xiaomi की फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के अलावा और कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है, जैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोकिया की, तो नोकिया की फ्लैश फाइल कई बार मिल नहीं पाती है, आप फोरम्स में ट्राई करते हैं, फोरम्स में मिलती है, तो नोकिया में आपने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर नोकिया की फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर नोकिया 100, 101, 105 RM मॉडल उसके साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको नोकिया के बहुत सारे आपको मॉडल मिलेंगे जो आपको वन क्लिक डाउनलोड पे फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। बात करते हैं माइक्रोमैक्स की, अगर आप माइक्रोमैक्स के मोबाइल का स्टॉक रूम डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको करना क्या होगा, आपको माइक्रोमैक्स में जाना है दोस्तों। आपको अगर माइक्रोमैक्स में जैसे मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम दोनों तरह के CPU मिल सकते हैं, मीडियाटेक का यहाँ पे टूल डाउनलोड दिया हुआ है, वीकॉम के ड्राइवर दिए हुए हैं, सब कुछ है, स्पेक्ट्रम का रिसेट डाउनलोड फ्लैश टूल यहाँ पे दिया हुआ है, XCI फ्लैशिंग ड्राइवर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सारी चीज़ यहाँ पर है। अब हम बात करें देखिए यहाँ पे आपको वन क्लिक में जैसे आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए Q300 में डाउनलोड करता हूँ, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ दोस्तों वैसे ही ये फाइल ओपन मीडिया फाइल में देखिए यहाँ से आप आराम से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपकी कितना आसान है अब स्टॉक रूम को डाउनलोड करना। तो दोस्तों आपको ये ऐप्स से जुड़े रहे क्योंकि इस ऐप्स में इसके अलावा भी इस एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी स्टॉक रूम नई नई फर्मवेयर जो चाइना मॉडल की हैं, जिसमें चाइना फर्मवेयर में मैं अभी ऐप्स में बहुत सारी चीज़ें डाली नहीं है वो अपडेट करूंगा। अब ब्लैकबेरी की बात करते हैं, ब्लैकबेरी की फर्मवेयर मिल नहीं पाती है, तो जैसे कि हम ब्लैकबेरी को क्लिक किए हमने और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आपको ब्लैकबेरी की देखिए आपको ये फर्मवेयर आपको यहाँ पे ब्लैकबेरी की मिल जाएगी, आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। कोई यहाँ पे ऐड नहीं चलते हैं, कोई यहाँ पर बहुत सारे आपको लिंक क्लिक नहीं करनी है, कोई आपको जो वेट करने वाली लिंक है उसको क्लिक नहीं करनी है। वीवो की बात करते हैं हम, चलिए मान लीजिए आपको वीवो वी सेवन प्लस की आपको फर्मवेयर डाउनलोड करनी है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल है वीवो वी सेवन प्लस, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे देखिए वीवो वी सेवन प्लस, आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये फर्मवेयर डायरेक्टली आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा,
और यहाँ पर आपको लिखना होगा देवव्रत अग्रवाल बिना स्पेस के। अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐप्स आपके में खुल जाएगा। बट आप अगर वैसे जाएंगे तो आपको देवव्रत अग्रवाल बिना स्पेस के, ये स्पेलिंग आप देख लीजिए, बिना स्पेस के आपको लिखना है और फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। हालांकि इसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है वीडियो के नीचे, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इस पर आप आ जाएंगे और इसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और चलाइए दोस्तों। तो जुड़े रहे चैनल से, तो जुड़े रहे चैनल से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू। मित्रांनो, हे सरांची नवीन बुक जी आहे एडवांस मोबाईल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखिए, हे 10% लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तिथून परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। एन आई सो 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट, एशिया टेलीकॉम, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.